नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। जिस तरीके से कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पूरी दुनिया ग्रसित है और खासतौर पर भारत, इस मुश्किल दौर में एक नई बीमारी के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। ये बीमारी क्या है और क्या ये सबको हो सकती है? इसको लेकर बहुत ज्यादा भ्रम है लोगों में और बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं इसको लेकर, क्योंकि ये बीमारी जैसा बताया जाता है कि इसके अंदर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको आज ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस या फंगस एक कीटाणु है। अगर आपने देखा होगा फलों के ऊपर या खराब हो रही सब्जी ब्रेड, उसके ऊपर एक काले रंग की लेयर बन जाती है, वही फंगस होती है। हमारे वातावरण में फंगस के जो अणु होते हैं, जिनको स्पोर्स बोलते हैं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। फंगस इंसानों में इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन ज्यादातर फंगस इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में पाए जाते हैं जिनके शरीर की इम्यूनिटी कम। जब शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ये इन्फेक्शन एक मौका परस्त इन्फेक्शन यानी ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरीके से शरीर के ऊपर हमला करते हैं। तो नॉर्मल लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे पहले बात ये जाननी जरूरी है कि COVID-19 होने के बाद आपको म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा सीधे तौर पे नहीं है। जिसको भी COVID-19 हुआ है, उसको ये डरने की जरूरत नहीं है कि उसको म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होगा। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कुछ स्पेशल केसेस में ही होने का ज्यादा खतरा है। ये कौन से केसेस हैं? वो पेशेंट्स जिनको बहुत हाई डोज में स्टेरॉइड्स दिए गए, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। वो पेशेंट्स जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, यानी उनका शुगर का लेवल बहुत हाई है, क्योंकि शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से भी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। वो पेशेंट्स जिनके अंदर इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी यानी इम्यूनिटी को कम करने का इलाज चल रहा हो, वो पेशेंट्स जिनको कैंसर या HIV एड्स की बीमारी हो, जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो यही कुछ खास मरीज होंगे जिनके अंदर म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा ज्यादा होगा। बाकी आम मरीजों के अंदर म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा कम होता है। इस इंफेक्शन के होने पे क्या लक्षण होंगे, और अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है तो आप फौरन डॉक्टरी सलाह लें। तो इस इंफेक्शन के होने पर बुखार आ सकता है, आपको बलगम आ सकता है, नाक में से बलगम या खांसी में बलगम आ सकता है। वो बलगम थोड़ा गाढ़े रंग का हो सकता है, उसमें खून भी हो सकता है। आंखों के निचले हिस्से पर, इस जगह पर लाली आना और आंखों में तेज दर्द होना, आंखें लाल होना, सीने में दर्द होना, सर में दर्द होना, जो साइनस वाले हिस्से होते हैं, जैसे ये हिस्सा है, इन हिस्सों में दर्द होना, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन के। ये इन्फेक्शन जिन लोगों में बहुत तेजी से फैलता है, उनके अंदर आंखों को बहुत नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाए। ये फंगल इन्फेक्शन नाक के जरिए साइनसिस में जाता है, साइनसिस के बाद ये लंग्स में और दिमाग तक पहुंच सकता है। इस इन्फेक्शन में 30-70% तक मोर्टेलिटी या मृत्यु हो सकती है। तो ये इन्फेक्शन एक खतरनाक इन्फेक्शन है, लेकिन अगर सही समय पर इसकी डायग्नोसिस हो जाए, शुरुआती लक्षणों में ही अगर इसको पकड़ लिया जाए, तो इसका इलाज संभव है। इसके लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये ट्रीटमेंट आपको विशेषज्ञ डॉक्टर के निर्देश पे अस्पताल में ही लेना है। इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी और पेनकोनाजोल दवाइयां हैं जो कि प्रभावी हैं। घर पर अपने आप किसी तरीके के एंटी फंगल ट्रीटमेंट को स्टार्ट मत करिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। इसके स्पोर्स वातावरण में पाए जाते हैं, खास तौर पर मिट्टी या खराब हो रहे खाने फल, इनके ऊपर हो सकते हैं। अगर आप घर में बागवानी करते हैं, अगर कोई कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको पूरी बांह के कपड़े, मोजे, जूते और ग्लव्स पहन के ही बागवानी या कृषि करनी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से भी ये फंगल इन्फेक्शन शरीर तक पहुंच सकता है। एक सावधानी और है कि अगर आप नेबुलाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने नेबुलाइजेशन मास्क और चेम्बर की
नियमित रूप से सफाई करते रहें, आपस में सेम मास्क को शेयर ना करें, फैमिली मेंबर्स नेबुलाइजेशन कर रहे हैं तो सब लोग अपना अलग अलग मास्क का इस्तेमाल करें। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ऑक्सीजन पे है और कुछ लोग होम ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हो, जो ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसेंट्रेटर में ह्यूमिडिफायर होता है उसके पानी को और उसके चेंबर को साफ रखें, हो सके तो उसके अंदर डिस्टिल वाटर का प्रयोग करें ताकि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो एक हिदायत सबके लिए है कि अगर आपको कोविड 19 हुआ है, कोविड 19 होने के बाद भी आपका शरीर कुछ कमजोर हो जाता है और अगर आपको लो डोज में स्टेरॉइड्स चले हैं तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी भी कुछ कम हो, तो पूरी तरह रिकवर होने के बाद भी आपको कुछ समय तक का कोशिश करना चाहिए कि आप घर पे रहें ताकि आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाना ना भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।